हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के राज। आज मैं आपको एमआई रिमोट एप्लीकेशन की सेटअप करने के लिए बतलाने जा रहा हूं। तो चलिए, इस सेटअप करने के लिए सबसे पहले एमआई रिमोट एप्लीकेशन को ऑन कर लें। ऑन करने के बाद अपर साइड में देखेंगे कि एक प्लस का आइकन बना होगा। प्लस आइकन पर आप क्लिक करें। प्लस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा किस किस डिवाइस को आप इसमें सेटअप कर सकते हैं। इसमें जितना भी डिवाइस होकर आप इतना डिवाइस को सेटअप कर सकते हैं और इसे अपने मोबाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको टीवी और सेटअप बॉक्स को सेटअप करने के लिए बताने जा रहा हूँ। जिस प्रकार मैं इसी को बताऊँगा उसी का टोटल सेटअप होता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं सेटअप बॉक्स को सेटिंग कर लेता हूँ। तो मैं सेटअप बॉक्स पे क्लिक किया, मेरे पास अभी फिलहाल फ्री DTH सेटअप बॉक्स है। तो मैं फ्री DTH सेटअप बॉक्स पे क्लिक करता हूँ। जब आप फ्री DTH सेटअप बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ये जो ब्लू कलर का देख सकते हैं, इसमें दिया जाता है आइकन 1 से 19 तक, मतलब इसी में से कोई आपको जो आपका फ्री DTH सेटअप बॉक्स है वह वर्क करेगा। तो जब सबसे पहले आपको पावर बटन पर क्लिक करना जो कि ब्लू कलर का, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो अगर आपका डिवाइस क्लोज हो गया यानी सेटअप बॉक्स बंद हो गया तो यही आप पे काम करेगा। नहीं कर रहा हो तो नो कर दीजिए। फिर सेकेंड आया, इस पर कीजिए, नहीं कर रहा मेरा, जैसा कि मशीन ऑन है मैं चेक करते जा रहा हूँ, मेरा ये सब नहीं काम कर रहा, तो मैं नो करता जा रहा हूँ। इसी प्रकार आप भी नो करते जाएंगे, जिस पे आप काम करेंगे उस पे आप यस कर दीजिएगा। तो अभी तो फिलहाल नो ही कर रहे, नहीं काम कर रहा, जैसा कि मेरा ट्यूबवेल नंबर नहीं काम किया, ये ट्यूबवेल नंबर हाँ काम कर गया, तो ये मैं यस कर देता हूँ। जब मैं यस कर दिया तो इसके बाद आपको ऑप्शन देगा कि आप इसे किस में, मतलब आपको कौन सा रूम है। तो चलिए, मैं इसको ऑफिस में कर देता हूँ। ये ऑफिस पे मैंने क्लिक कर दिया। ऐड टू शॉर्टकट, अगर आप इसे ऑन करेंगे तो ये आइकन का इसका एक आपको डिस्प्ले पे शो करेगा जो कि मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। इसके बाद आपको पेयर कर देना। पेयर कर दिए, आपका सेटअप हो गया। अब आप अपने मोबाइल से अपने फ्री DTH को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आप साथ में LCD को भी इसी में अटैच कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आइकन बना हुआ है। इस आइकन पर क्लिक करें, उसके बाद आप ऐड TV पे जाएं। ऐड TV पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कौन सी कंपनी के आपके पास LCD या LED है। तो मेरे पास फिलहाल अभी सनसुई का LCD है, तो मैं सनसुई पे क्लिक करता हूँ। इसमें भी आपको सिमिलरली उसी काम को करना है। इसमें 1 से 14 तक ऑप्शन दिया है, इसको आपको ओके करना, नेक्स्ट करना। जब आपका TV क्लोज हो जाएगा यानी LCD बंद हो जाएगा तो समझ जाइए कि ये आपके डिवाइस से काम करेगा। तो मैं इसी प्रकार नेक्स्ट करता जा रहा हूँ। ये फिलहाल ये काम कर गया यानी मेरा डिवाइस ऑफ हो गया। तो इसमें मैं यस कर देता हूँ। इसमें मैंने उसको किया था ऑफिस, तो इसमें भी ऑफिस से ही कर देता हूँ, दोनों सेम रहेगा। इसके बाद मैं इसे भी पेयर कर देता हूँ। अब जब आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपका डिवाइस क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। इसके बाद ये आप, मैंने कहा था ऐड टू शॉर्टकट, जैसा कि देख सकते ये दोनों यहाँ पे आ गया। अगर मैं ऐड टू शॉर्टकट नहीं करता तो ये डिस्प्ले पे शो नहीं करता। तो आई होप आपको ये सेटअप करने के लिए आ गया होगा। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।